आखिर ये पेपर नंबर आठ के अंदर हम लोग कौन सा सब्जेक्ट डील करने वाले हैं। हम लोग डील करेंगे अकाउंटिंग से किससे डील करेंगे अकाउंटिंग से लेकिन जो अकाउंटिंग आप पढ़ के आए हैं उस वाली अकाउंटिंग से डील नहीं करने वाले हैं हम लोग डील करेंगे कॉस्ट वाली अकाउंटिंग से कौन सी अकाउंटिंग से डील करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग से डील करेंगे पेपर नंबर आपका आठ है पेपर पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊं जो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से जो न्यू पैटर्न अभी चेंज हुआ है और 2022 के ये पेपर क्या हुए हैं खत्म हुए हैं तो जो पैटर्न है हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है फर्स्ट क्वेश्चन तो है कंपल्सरी जो कि है आपका कितने मार्क्स का ट्वेंटी फाइव मार्क्स का जिसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेट ट्वेल्व मिलते हैं एमसीक्यू टेन टू ट्वेल्व फिलअप्स एंड साथ में आपको क्या देखने को मिलेंगे ट्रू एंड फॉल्स उसके बाद आपको मिलेंगे सेवन क्वेश्चन हाउ से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं 5 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेंड करने ओके okay? ये रहता है हमारे एग्जाम का पैटर्न कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो जितने आपके पेपर हैं सारे के सारे कितने-कितने मार्क्स के अंदर डिवाइडेड है 100 100 मार्क्स के अंदर डिवाइडेड है अगर मैं बात करूं हमारे कंटेंट की सिलेबस के कंटेंट की तो हमारे सिलेबस के कंटेंट को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है इनको डिवाइड किया गया है तीन पार्ट के अंदर हाउ मेनी पार्ट इन थ्री पार्ट सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन दूसरा पार्ट है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और तीसरा पार्ट है टेक्निक्स तीन पार्ट के अंदर पूरे के पूरे सिलेबस को क्या किया गया है डिवाइड किया गया है ओके देयर आफ्टर इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस के अंदर मार्क्स का मार्क्स के, भी कितने मार्क्स की है थर्टी मार्क्स इंट्रोडक्शन के अंदर बात करूं तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो जो चैप्टर्स हैं, अगर मैं उन चैप्टर्स की थोड़ी सी बारीकी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको जो जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है कितने तरीके की कॉस्ट होती है डिसीजन के बियाफ पे एलिमेंट के बियाफ पे अलग अलग तरीके की सारी की सारी जो कॉस्ट है वो किसके अंदर दे रखी है इंट्रोडक्शन के अंदर हमें बता रखा है उसके बाद कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड एक चैप्टर आप लोगों को दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बारे में किसके बारे में दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बारे में उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको एक चैप्टर दे रखा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इसका दूसरा नाम भी आपको बता रखा है एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम से इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को दिया गया है वो नेक्स्ट चैप्टर है आपका ओवर एक्स ओवर के बाद आपको दे रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग फोर्टी मार्क्स की बात कर रहे हैं हम लोग हाउ मेनी मार्क्स फोर्टी मार्क्स के लिए हमें इतने सारे चैप्टर पढ़ने पड़े राइट right? बात करूं मेथड्स एक चैप्टर और क्या लिख है पे? के बारे में अगर बात की जाए तो एक जनरली बता देता हूं व्हाट डू यू मीन बाय मेथड्स अगर मैं मेथड्स के लिए बात करूं तो मेथड्स का मतलब होता है cost को कैलकुलेट करने का तरीका कैलकुलेट करने का तरीका कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि फाउंडेशन से जस्ट जुड़े होंगे आकर के अभी अपने एग्जाम फाउंडेशन के देकर के आए होंगे फाउंडेशन के जस्ट बाद आप लोगों ने क्या ज्वाइन किया है इंटर ज्वाइन किया है और कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं बैच के अंदर हमारे ठीक है मैं आपको एक जनरल सेंस में बताऊंगा कि हमारे लिए बहुत तरीके के मार्केट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं और अलग -अलग, है? है। है, अलग तरीके की क्या होती है सर्विसेस होती है अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग तरीके की क्या होती है सर्विस कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि हाथवा रॉ मेटेरियल से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए एक लंबी चेन चलानी पड़ती है एक प्रोसेस चलानी पड़ती है एग्जाम्पल शुगर बनाना किसकी हेल्प के थ्रू शुगर केन की हेल्प के थ्रू शुगर केन से पहले जूस बनाया जाएगा जूस को पार्टिकल्स में बांटा जाएगा पार्टिकल्स के बाद क्या करना पड़ेगा उसको पैकेट्स के अंदर पैक करना पड़ेगा तब जाके हमें अल्टीमेट क्या मिलने वाली है शुगर तो एक डिपार्टमेंट का काम तो है नहीं अलग अलग डिपार्टमेंट का काम है तो उसकी टोटल कॉस्ट को पढ़ने के लिए हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग अल्टीमेट आपको क्या कैलकुलेट करनी थी टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरी एक प्रोसेस को देखना पड़ेगा तो हम लोगों को जो कॉस्ट का मेथड फॉलो करना होता है उसका नाम क्या है प्रोसेस कॉस्ट ओके मैं एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं मैं क्या बनाना चाहता हूं एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं एक प्रोसेस के अंदर डाल के क्रूड ऑयल आया क्रूड ऑयल से जैसे ही मैंने क्रूड ऑयल से क्या बनेगा पेट्रोल बनेगा डीजल बनेगा सेम प्रोसेस से बन जाएगा ना पेट्रोल भी और डीजल भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो एक प्रोसेस से अगर दो तरीके या दो से ज्यादा अगर आउटपुट आते हैं उसके लिए टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक चैप्टर पढ़ना होता है जिसका नाम है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट पड़ना होगा मार्केट में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क देखा होगा रोड का कंस्ट्रक्शन होता है ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है क्या वो एक अकाउंटिंग ईयर में खत्म हो जाते हैं या बहुत सालों में चलते हैं तो इन तरीके की जितने भी कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं उन कंस्ट्रक्शन के वर्क को कंप्लीट करने में हम लोग हेल्प लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर की इसकी हेल्प लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर की तो जब कॉन्ट्रैक्टर टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करता है उसके लिए हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना होता है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कुछ प्रोडक्ट होते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं एकदम स्पेसिफिक होते हैं आपको हर बार जाकर के सामने वाले पर्सन से वो वर्क करवाना पड़ेगा बेस्ट एग्जाम्पल है इसका मनीष मल्होत्रा नाम सुना है शादी के लहंगे बड़े बनाते हैं आप जाएंगे हर पर्सन के हर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाता है हर पर्सन से अलग अलग अमाउंट चार्ज किया जाता है या फिक्स चार्ज है उसका हर पर्सन से अलग अलग तो आप कोई स्पेशलाइज प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हैं उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है जॉब कॉस्टिंग मैं आप लोगों क्या क्या कर रहा जान सागर क्या कर रहा रहा हूं ज्ञान सागर आपको है सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है एजुकेशन यहां पे इंस्टीट्यूट में सुबह सुबह आठ बजे क्लास लगी सारे बच्चे थोड़े लेट भी आए थे ऐसा नहीं है एग्जैक्ट टाइम पे आ गए थे कुछ लेट भी थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके आए थे राइट और रॉन्ग मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने आपको क्या दी सर्विस दी तो उन्होंने जो भी आपसे टिकट चार्ज किया उस टिकट प्राइस का कैलकुलेशन कैसे हुआ उसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना होता है जिसका नाम क्या है सर्विस बात क्लियर मेरी मेथड्स के अंदर यह चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं और कितने नंबर का टॉपिक है यह थर्टी मार्क्स का आपका टॉपिक है आगे बढ़ू टेक्निक्स होती क्या है देखो अभी मैं आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग का जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग आई क्यों उसके आने के पीछे का क्या रीजन था और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव के अंदर एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना कि भैया मेरे को एस्टिमेशन करना है जब तक मैं मेरी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करूंगा तब तक मैं मेरे प्रॉफिट को भी अर्न प्रॉपर वे में नहीं कर पाऊंगा तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्या होती है, है। कैलकुलेट करना क्या कहलाएंगे कॉस्ट के मेथड्स। लेकिन कॉस्ट को कंट्रोल करने की क्या कहलाएंगी टेक्निक्स तो ये टेक्निक्स है आपकी कौन कौन सी सबसे पहले है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दूसरी है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग और तीसरा है आपका बजटिंग ये तीन चैप्टर कितने नंबर के हैं तीस नंबर के जी नहीं ये है नाइनटी मार्क्स के चैप्टर हाउ मेनी मार्क्स नाइनटी मार्क्स सर कैसे अभी तो आपने इधर केवल तीस नंबर लिखे हैं जैसे ही आप सेकंड ग्रुप में पढ़ने के लिए जाएंगे सेकंड ग्रुप में एक पेपर नंबर ट्वेल्व जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहां पे केवल बेस है और इसका एडवांस लेवल हमें कहां पढ़ने को मिलेगा? पेपर नंबर ट्वेल्व में जो कि किस किस क्या नाम है पेपर का मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें यही चैप्टर बेस यहीं से पढ़ करके वहां पर जाओगे कितने नंबर के टॉपिक है वहां पे सिक्सटी मार्क्स के सिक्सटी प्लस थर्टी एक पेपर हो गया पूरा तीन टॉपिक से हंड्रेड में से दस ही कम है राइट तो ये वाला पार्ट हमारे कितने नंबर का है थर्टी मार्क्स का और ओवरऑल देखू पेपर नंबर तो के ये तीन टॉपिक राइट हमारा इंट्रोडक्शन फोर्टी मार्क्स का मेथड्स थर्टी मार्क्स के और टेक्निक भी कितने मार्क्स के थर्टी मार्क्स की है एक बार कंटेंट को कॉपी कीजिए उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स दो मिनट का वेट करते हैं चले आगे डन चलिए देखिए भाई सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि आखिर ये अकाउंटिंग होती क्या है किस चीज का पता होना चाहिए कि आखिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है जब तक इसके बारे में नहीं पता तब तक आप इसको पढ़ ही नहीं सकते आप लोगों ने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी आवश्यकता आविष्कार की जननी है द नीड इज द बेस ऑफ इनोवेशन जब तक किसी चीज की नीड नहीं होती ना तब तक कोई इनोवेशन नहीं किया तो एटीन सेंचुरी के अंदर कौन सी से, सेंचुरी के अंदर एटीन सेंचुरी के अंदर सबसे पहले कौन सी सेंचुरी में एटीन सेंचुरी में सबसे पहले कौन सी अकाउंटेंसी बनाई गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप लोग आज तक पढ़ करके आए हैं एटीन सेंचुरी तक क्या हुआ एटीन सेंचुरी में बनाई गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि कंटिन्यूस चलती आ रही थी चलती आ रही थी चलती आ रही थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं किया क्या नहीं किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं किया उन ऑब्जेक्टिव के फुलफिल नहीं होने के कारण उन ऑब्जेक्टिव के फुलफिल नहीं होने के कारण ही कौन सी कॉस्टिंग बनाई गई कौन सी अकाउंटिंग बनाई गई कॉस्ट अकाउंटिंग बनाई गई अब अगर हम लोगों को यह जानना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों बनाई गई तो पहले यह जानना पड़ेगा ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या कमियां थी नॉर्मल सी बात अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियों को जानना है पहले उसकी खूबियों को जानना चाहिए या पहले कमियों को जानना चाहिए नॉर्मल सी बात है कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या खूबियां हैं और क्या क्या एडवांटेज हैं उनको जानते हैं सबसे पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से ईयर के एंड में हमें किसका पता लगता है प्रॉफिट और लॉस का पता लगता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प के थ्रू ही हमें हमारे बिजनेस की एट द एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड की क्या पता लगती है फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है राइट right? और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प के थ्रू ही हम लोगों को हमारे बिजनेस की कैश की पोजीशन पता लगती है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कितने ऑब्जेक्टिव हुए तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव हुए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हम लोगों को कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं उसके लिए हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट हमारे बिजनेस की अगर फाइनेंशियल पोजिशन को आप लोगों को जानना है तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं उसके लिए हम लोग बनाते हैं और अगर हम लोगों को हमारे बिजनेस की कैश पोजिशन को जानना है तो कैश पोजिशन को जानने के लिए हम लोगों को क्या करनी होती है हम लोगों को बनाना होता है कैश फ्लो का Statement? Right. मैं बात करूंगा इनकम स्टेटमेंट की इसकी बात करूंगा इनकम स्टेटमेंट की लेकिन अभी नहीं करेंगे अभी तो मुझे आप केवल इतनी सी बात बता दो अगर आपको profit का कैलकुलेशन करना है तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है जितनी भी मेरी इनकम हो रही है उन सारी की सारी इनकम में से मुझे किसको माइनस करना होगा एक्सपेंसेस को माइनस करेगा तो करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगी इनकम आएगी और एक्सपेंस आएगी तो मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करता हूं रिलेटेड इनकम से रिलेटेड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनकम कितने तरीके की होती है अगर हम लोग बात करें इनकम के टाइप्स के बारे में तो इनकम होती है दो तरीके की कितने तरीके की होती है दो तरीके की इनकम होती है एक जो हमारे बिजनेस से रिलेट करे और एक जो हमारे बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर रहा हूं गुड्स की सेल किसकी सेल कर रहा हूं मैं कर रहा हूं गुड्स या फिर सर्विसेस की सेल तो ये कौन सी इनकम है मेरे बिजनेस की मैं मार्केट के अंदर रॉ मेटेरियल को किसके अंदर कन्वर्ट करके सेल करता हूं फिनिश गुड्स के अंदर मैं शुगर केन लाता हूं शुगर केन से शुगर बना के मार्केट में सेल करता हूं तो उस सेल से जो भी पैसा आएगा वो मेरा कौन सा पैसा कहलाएगा मेरे बिजनेस की इनकम कहलाएगी कौन सी इनकम कहलाएगी मेरे बिजनेस की इनकम कहलाएगी मैं आप लोगों को यहां पर बैठ करके पढ़ा रहा हूं जो भी आप लोग फीस हम लोगों को पे करेंगे ये हमारे इंस्टीट्यूट की सर्विसेज की क्या कहलाएगी फीस कहलाएगी सो इट इज आल्सो रिलेटेड विद आर इंस्टीट्यूशन तो ये भी कौन सी इनकम हो गई बिजनेस इनकम हो गई एक तरीके से देखा तो यही स्पेस शाम को मैं पी के लिए दे देता हूं यहां पढ़ रहे हो ना शाम को यही स्पेस है जहां पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं रहते हैं और मुझे किसका पेमेंट करके जाते हैं रेंट का क्या मेरा काम पीजी चलाने का है या इंस्टीट्यूट चलाने का है फिर भी मेरे पास क्या आ रहा है रेंट आ रहा है तो क्या वो रेंट मेरे बिजनेस की इनकम है या फिर नहीं है जी नहीं वो मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है मतलब अगर बात की जाए तो आपने क्या किया रेंट रिसीव किया लेकिन अगर किसी का परमानेंट काम ही पीजी चलाने का है उसके लिए तो बिजनेस इनकम कहलाएगी लेकिन जनरल सेंस में अगर मैं बात करूं कि अगर मैं मेरी बात करूं तो ये क्या मेरी बिजनेस की इनकम कहलाएगी क्या नहीं कहलाएगी ना मुझे कहीं से डिस्काउंट रिसीव हुआ मुझे कहीं से कमीशन रिसीव हुआ क्या रिसीव हुआ कमीशन मेरा काम कमीशन पे काम करने का है क्या नहीं ना तो कमीशन रिसीव मैंने क्या किया था जो यहां से इनकम हुई उस इनकम को बिजनेस के अंदर तो नहीं रख करके मैंने बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया कहा इन्वेस्ट कर दिया बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया बैंक ने मुझे क्या दिया इंटरेस्ट दिया तो क्या मेरे बिजनेस से आया क्या ये नहीं ना इंटरेस्ट Receive. मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मुझे क्या दिया गया डिविडेंड दिया गया क्या ये मेरे बिजनेस से रिलेट करता था क्या नहीं ना डिविडेंडीव तो, कहने का मतलब इनकम दो तरीकों की होती है कौन कौन सी होती है अगर बात करें एक तो होती है बिजनेस से रिलेटेड और एक होती है नॉन बिजनेस अगर मैं बिजनेस इनकम को दूसरा नाम देना चाहूं तो क्या दे सकता हूं ऑपरेटिंग इनकम जिसके लिए हम लोग बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं वो वाली इनकम कौन सी इनकम कहलाएगी ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी और जिसके अंदर हम लोग डील ही नहीं करते तो वो कौन सी इनकम कहलाएगी वो कहलाएगी नॉन ऑपरेटिंग राइट और नॉन तो इनकम कितने तरीके की बताई मैंने आपको दो तरीके की एक तो बिजनेस इनकम और एक नॉन बिजनेस इनकम या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग वैसे ही अगर अपन बात करें तो एक्सपेंसेस भी कितने तरीके के होते हैं एक्सपेंसेस भी होते हैं दो तरीके एक्सपेंसेस भी कितने तरीके के होते हैं दो तरीके के कौन कौन से वही वाली बात एक तो रिलेट करेंगे बिजनेस से अगर बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं तो वो तो कहलाएंगे ऑपरेटिंग और अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं करेंगे तो वो कौन से कहलाएंगे नॉन ऑपरेटिंग चलिए बताइए बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं अगर बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करूं तो मेरा काम क्या है गुड्स को सेल करने का किसको सेल करने का गुड्स को सेल करने का लेकिन उससे पहले गुड्स की क्या करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले सारे के सारे खर्चे मेरे बिजनेस के हैं या नहीं है तो बात करें बिजनेस के अंदर फैक्ट्री के अंदर होने वाले सारे के सारे खर्चे क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ही क्या होता है रॉ मेटेरियल को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है मेटेरियल बनके तैयार है अब इस मेटेरियल के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है या फिर नहीं है कि मुझे प्लान सेट करने पड़ेंगे कि किस एरिया में कितना मेटेरियल भिजवाना है किस अकॉर्डिंग भिजवाना है अलग अलग मैनेजर का अपॉइंटमेंट करवाना पड़ेगा अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे ताकि इस मेटेरियल को मैं क्या कर सकूं सेल कर सकूं मतलब मुझे कहां पर खर्चे करने पड़ेंगे मुझे खर्चे करने पड़ेंगे ऑफिस के। ना? मैंने गुड्स बना करके तो तैयार कर दिया मैंने लोगों का अपॉइंटमेंट भी कर दिया लेकिन मैंने किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं किया मेरा गुड्स बिक जाएगा क्या नहीं बिकेगा ना क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं किया तो आप आगे नहीं निकल सकते तो मतलब मुझे कौन से खर्चे करने पड़ेंगे मुझे करने पड़ेंगे Selling expenses. मतलब रॉ मेटीरियल को फिनिश गुड्स में बनाना और फिनिश गुड्स को मार्केट के अंदर जाकर के क्या करना सेल करना तब तक के सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस कहलाते हैं ऑपरेटिंग अब बिजनेस चलाने के लिए मैंने लोन लिया था तो मैंने खुद की कैपिटल लगाई थी क्या लगाई थी खुद की कैपिटल लगाई थी, क्या वो बिजनेस से रिलेट करती है क्या बिल्कुल नहीं उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा लॉन्ग टर्म तो क्या वो बिजनेस की इनकम कहलाएगी क्या बिल्कुल भी नहीं तो सबसे पहले लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल सैलरी टू अ पार्टनर किसी भी पार्टनर को आपने सैलरी दी तो क्या ये आके बिजनेस की एक्सपेंसेस हैं क्या जी नहीं उसके अलावा मैं अगर बात करूं आप लोगों से हो सकता है अर्थक्वेक के कारण आपको क्या हो जाए लॉस हो जाए अर्थक्वेक तो नेचुरल कैलमिटी है आया ना उससे आपको लॉस हो गया अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है आपने अपनी फिक्स एसेट्स मार्केट के अंदर सेल की फिक्स एसेट्स को मार्केट में सेल करने का काम कौन करता है बिजनेस तो करता नहीं है वो एकदम खत्म हो जाएगी तब जाके सेल करोगे उससे तुम्हें लॉस हो गया क्या वो बिजनेस का लॉस कहलाएगा या नॉन बिजनेस लॉस कहलाएगा नॉन बिजनेस लॉस कहलाएगा मतलब क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स राइट right? तो जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में बात करता हूं तो प्रॉफिट के अंदर हमें इनकम भी लेनी होती है साथ में क्या लेने होते हैं एक्सपेंसेस भी लेने होते हैं इनकम में से जब मैं एक्सपेंसेस को माइनस करता हूं तब मेरे पास क्या आता है प्रॉफिट आता है राइट right? किसकी बात कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में कैसे बनता है सबसे पहले क्या लिखते हो सेल्स सेल्स में से क्या लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आपके पास क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से आप लेस करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आपके पास क्या आती है ऑपरेटिंग इनकम राइट इसमें से मैंने माइनस किया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या किया ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आता है नेट प्रॉफिट आता है ऐसे ही आता है चलो ठीक है अब यहां पे एक कंसेप्ट समझना बहुत अच्छे से क्या समझना एक कंसेप्ट समझना बहुत अच्छे से शेयर देख रहे सारे ऑनलाइन ऑफलाइन मुझे क्या करना है मुझे पहले तो इस चेयर की करनी है मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मुझे इसको क्या करना है सेल करना राइट right? पहले क्या करनी है मैन्युफैक्चरिंग देयर आफ्टर आई हैव टू सेल दिस तो अगर मुझे इस चेयर को बनाना है तो चेयर को बनाने के लिए पहले मुझे क्या लेकर के आना पड़ेगा रॉ मटेरियल लेकर के आना पड़ेगा तो इस चेयर के अंदर रॉ मटेरियल क्या क्या है इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिए प्लास्टिक चाहिए आयरन चाहिए और साथ में क्या चाहिए वुड मैं मार्केट में गया मैंने बोला एक चेयर के लिए प्लास्टिक दे दो प्लास्टिक दी गई सौ रुपए की मैंने बोला आयरन दे दो आयरन दिया गया वन फिफ्टी का मैंने बोला वुड भी दे दो भैया पूरी चेयर बनाऊंगा रुपए की वोट दी गई अब लाकर के मैंने लेबर को दिया और लेबर ने मुझसे कितने रुपए ले लिए? पचास रुपए। चेयर बन के तैयार चेयर बनकर के तैयार कितने रुपए में चेयर बनी थ्री हंड्रेड थर्टी रुपए में चेयर बनकर के रेडी हो गई मैंने बोला तीन सौ तीस में चेयर बन रही है तो ये मेरे चेयर की क्या है कॉस्ट अब मैं इसको क्या करूंगा मार्केट में सेल करूंगा मैंने बोला मैं मार्केट में सेल करूंगा पांच सौ रुपए में तो मेरा प्रॉफिट कितने रुपए का होगा वन हंड्रेड का वन हंड्रेड रुपए का एक लॉजिक देखो तीन सौ तीस रुपए लगाए हैं मैंने मेरे बिजनेस के अंदर और कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है वन का अप्रोक्सीमेट कितना रुपए का प्रॉफिट हो गया 50% हो गया क्या अप्रोक्सीमेट 330 का 50% कितना होता है 165 50% मैं खुश हुआ बड़ा मेरे पास सबसे पहला एक कस्टमर आया कस्टमर ने बोला चेयर चाहिए मैंने कहा ले जा कितने रुपए में दूंगा 500 रुपए वो भी बड़ा खुश हो करके प्रोडक्ट को मेरे से कितने रुपए में लेकर के चला गया 500 रुपए में लेकर के चला गया मैंने कहा काम करते हैं पहले मैं मेरे प्रॉफिट का कैलकुलेशन करता हूं मैंने प्रॉफिट का कैलकुलेशन स्टार्ट किया भैया प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा सेल्स में से सबसे पहले बेटा सब सब मैंने लेबर के अंदर उन सभी को इंक्लूड कर लिया है मैंने टूल इक्विपमेंट जो लेबर है सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है टूल एंड इक्विपमेंट को मैं ले चुका हूं इसके अंदर सेल्स माइनस फैक्ट्री के एक्सपेंसेस सेलिंग के एक्सपेंसेस ऑफिस के एक्सपेंसेस साथ में से एक्सपेंसिस पांच सौ रुपए में फैक्ट्री सेलिंग ऑफिस इन सभी को मिला करके मेरे खर्चे के थे तीन सौ तीस रुपए के मैं बड़ा खुश हुआ मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है वन सेवेंटी का लेकिन एक बात बताओ इन सब काम को करने के लिए आपने अपना टाइम लगाया आपने रिसोर्सेस लगाए किसी फैक्ट्री में बैठ करके काम तो किया होगा बिजनेस के अंदर मनी इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस के अंदर जब मनी को इन्वेस्ट किया होगा तो कहीं से लोन लिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया या इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट किया क्या नहीं किया ना आपने किया गया इसके अंदर कहीं पे है क्या ऐसा इंक्लूडेड कहीं लिखा हुआ है इक्विपमेंट वगैरह तो लेबर के अंदर आ गए लेकिन क्या खुद को सैलरी जो दी गई दी जानी चाहिए और साथ में जो आपने कैपिटल का बंदोबस्त किया उसके लिए पैसा चाहे लोन पे लाए हो या खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो आपने दिया क्या नहीं दिया ना यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू हैव पेड और नॉट नॉट पेड तो हमने एक कैलकुलेशन किया उस कैलकुलेशन से पता लगा कि उसका अमाउंट कितने रुपए का है हर चेयर के ऊपर थर्टी रुपए का ऑनलाइन रिप्लाई में फास्ट कितने रुपए का पेमेंट है तीस रुपए का पेमेंट है तो मेरा प्रॉफिट कितने रुपए का रह गया सोचा क्या था प्रॉफिट कितने का होगा हुआ कितने का रियलिटी के अंदर वन सेवेंटी अरमा आंसू में बह गए भाई नहीं भाई भैया जो चीज सोची ना मिले तो क्या होता है दुख होता है हो गया दुख अब अगला कस्टमर आया जैसे ही अगला कस्टमर आया आपने बोला चेयर तो दूंगा लेकिन चेयर कितने रुपए की है 530 की पहले कितने में बेच रहे थे तुम्हें कितने रुपए का प्रॉफिट कम हुआ तीस रुपए का प्रॉफिट कम हुआ तुमने क्या बोला हम तो कितने में बेचेंगे पांच सौ तीस रुपए में बोलेगा भैया मेरा बाई ले कर लेकर के गया था पांच सौ रुपए में और हमें पांच सौ तीस की देगा क्यों बता कैसे रुपए मैं तेरे को तो उसको बोला देख भाई इसको बनाने की कॉस्ट कितनी है 330 और मैंने इतना बड़ा बिजनेस का सेटअप कर रखा है उस सेटअप के अंदर मेरी खुद की कॉस्ट भी जो लग रही है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी है वो कितने की है तीस रुपए की और मैं कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं एक सौ रुपए का प्रॉफिट मैं अर्न करना चाहता हूं उस हिसाब से मैं तुझसे कितने रुपए चार्ज कर रहा हूं पांच सौ तीस कस्टमर बोलेगा थ्री थर्टी में तैयार हूं तैयार को को हूं लेकिन इसका मैं कोई भी पेमेंट तुझे नहीं करूंगा अल्टीमेट बात क्या आई वो आपको पांच सौ तीस नहीं देगा कितने रुपए देगा पांच सौ मेरा प्रॉफिट कितने रह गया 140. अब मैं क्या करूं मेरे को प्रॉफिट तो कितने का अर्न करना है कम से कम 170 का कैसे अर्न करूं? सेल प्राइस बढ़ाया कस्टमर पैसा नहीं दे रहा यस ऑनलाइन जल्दी से रिप्लाई दीजिए कि अब मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना है तो इस प्रॉफिट को मैं कैसे बढ़ा सकता सबसे बड़ा हथियार मैं मार्केट में वापस से जाऊंगा मार्केट में जाऊंगा तो सबसे पहले ये तीस रुपए ये तो लगने ही लगने इसको कम नहीं किया जा सकता चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा प्लास्टिक वाले के पास बोलूंगा भाई साहब मैं क्या बोलूंगा भाई साहब सौ रुपए की प्लास्टिक नहीं है इससे अच्छी क्वालिटी क्या हो रखी है अच्छी मिल रही है अस्सी रुपए में ये बोलेगा अस्सी रुपए में तो नहीं दूंगा मैं कितने रुपए में दूंगा नब्बे रुपए में मैंने कहा ठीक है भैया नब्बे में दे दे आयरन वाले के पास गया भैया आपने मेरे को बड़ा पागल बनाया जो चीज मार्केट में सौ रुपए में मिल रही है वो कितने में दी डेढ़ सौ में कम करो बोला सौ की नहीं है तू एक सौ बीस में ले जा कितने में ले जा बीस में लकड़ी वाले ने मना कर दिया कि भैया बारिश हो रखी है लकड़ी आई नहीं रही है मैं तो उतने में ही दूंगा मैं ठीक है भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है लेबर के पास गया तो लेबर से मोल भाव किया मोल करके उसने बोला चलो तेरे से एक चेयर के कितने रुपए ले लूंगा फोर्टी फाइव रुपये ले लूंगा अब मेरी कॉस्ट कितने की लग रही है टू नाइनटी फाइव थ्री टेन टू टेन दो सौ दस दो सौ चालीस टू एटी फाइव सेल अभी भी कितने में करूंगा पांच सौ में पांच सौ रुपए में सेल करना था किया कॉस्ट लगी 285 और वो तीस रुपए तो मैं कम कर ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 185 का प्रॉफिट सोचा तो कितने रुपए का था लेकिन कितने का हो गया क्या तुम्हारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये काम कर सकती है क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोग क्या करते हो जो भी डेटा मिला डेटा से नेट प्रॉफिट निकालते हो क्या तुम लोग उस प्रॉफिट को कम करने या बढ़ाने का काम कर सकते हो हाँ कर तो सकते हो बस थोड़ा टोटल के अंदर हेरा फेरी कर देना प्रॉफिट या तो कम आता है या ज्यादा आ जाता है वो मिलता ही नहीं है नेट प्रॉफिट पढ़ के आयो इलेवन ट में सर मैच ही नहीं हो रहा वो टोटलिंग में गलती के कारण उसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या प्रॉफिट को घटाने बढ़ाने का यस ऑनलाइन स्टूडेंट रिप्लाई मी फास्ट यू हैव एनी चॉइस टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रॉफिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग नो ये केवल कौन कर सकता है जब मैं मेरे कॉस्ट को क्या कर लू कंट्रोल कर लू तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इस कमी के कारण ही कौन सी अकाउंटिंग बनाई गई है कौन सी अकाउंटिंग बनाई है कॉस्ट अकाउंटिंग बनाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों बनाई गई सबसे पहले कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए किसका कैलकुलेशन कॉस्ट का सारी की सारी कॉस्ट का टोटल किया कॉस्ट आई हम लोग पर यूनिट कॉस्ट कभी कैलकुलेट कैलकुलेट कर देंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं यहां तो किया भैया कॉस्ट का कैलकुलेशन करोगे तो कॉस्ट के भी पे किसका डिसाइड करोगे प्रॉफिट का प्रॉपर वे में एस्टिमेशन कर सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो एक्चुअल रिजल्ट आता है यहां तो क्या हो रहा है एस्टिमेशन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर आपको कॉस्ट का कैलकुलेशन पता है प्रॉफिट का पता है तो क्या आप अपना सेल प्राइस डिसाइड कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते कर सकते हो ना किसका डिसाइड कर सकते हो सेल्स प्राइस डिसाइड बात आती है सब कुछ हो गया मैं चाहता हूं मेरा प्रॉफिट क्या हो जाना चाहिए इंक्रीज हो जाना चाहिए तो जितनी भी कॉस्ट है उस कॉस्ट को क्या करने का काम करोगे कम करने का काम करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा एक तो होता है कॉस्ट के अंदर रिडक्शन करना और एक होता है कॉस्ट के अंदर कंट्रोल करना कंट्रोल का मतलब है जितने सोचे उसे थोड़े बहुत कम लग जाना रिडक्शन का मतलब है प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी बहुत छेड़खानी करना लाइव एग्जाम्पल दूंगा कॉस्ट रिडक्शन का सबसे बेस्ट। आईफोन आता था, चार्जर भी आता था ईयरफोन भी आते थे चार्जर आना क्या हो चुका है बंद सामने वालों ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए चार्जर को क्या कर दिया गया है बिल्कुल बंद पहले हर फोन के साथ ईयरफोन जरूर आती थी आजकल ईयरफोन आना क्या हो चुकी है रिडक्शन इट इज कॉस्ट रिडक्शन प्रोडक्ट के अंदर छेड़खानी करना कॉस्ट को कम करने के लिए वो कहलाता है, cost का reduction. Cost का control जितना सोचा उतना भी लग रहा है ना तो भी क्या कहलाएगा कॉस्ट का कंट्रोल सौ रुपए सोचे थे सौ रुपए लगे मतलब तुम कंट्रोल में हो क्या यह सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए पॉसिबल है क्या नहीं है ना इन्हीं चीजों के लिए क्या बनाई गई है कॉस्ट अकाउंटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी बात सभी को क्लियर यस और नो मेक अ फास्ट रिप्लाई जल्दी से रिप्लाई दे दीजिएगा क्या कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों बनी उसके रीजन सेटिस्फाइड है अब आप लोग नोट करेंगे इसको पीछे वाला कुछ नोट नहीं करना ये जरूर नोट करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से सारे स्टूडेंट रिप्लाई दे दो चलिए आज की सभा यहीं तक रखेंगे बाकी बात करेंगे कल की सभा के अंदर